अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ओपन योर बुक्स और स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 28 पर पहला न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मास दिया हुआ है 10 ग्राम और चार्ज दिया हुआ है 20 माइक्रो कोलम, ठीक है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। और आपने क्या करनी है, आपने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इंतहाई आसान न्यूमेरिकल, मास ग्राम में था किलोग्राम में चेंज करेंगे, डिस्टेंस सेंटीमीटर में था मीटर में चेंज करेंगे, चार्ज माइक्रो में था कोलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। दोनों मासेस भी सेम है, दोनों चार्जेस भी सेम है। तो फार्मूला जो है FE ओवर FG ये आपने फाइंड करना है। FE जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो FG है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फ्रॉम कॉलम ला FE होता है Q1Q2 ओवर R² और FG होता है GM1M2 ओवर R², ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने वैल्यूज़ पुट की, R² से कैंसिल हो जाएगा। जब आपने वैल्यूज़ पुट की, K है 9×10⁻¹, ये दिया नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा। Q1 20×10⁻¹, Q2 भी यही दिया हुआ है 20×10⁻¹, G की वैल्यू याद करनी पड़ेगी 6.673 × −11, और मास दिया हुआ है 0.01 एंड 0.01। इन तमाम को जब आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आपका फाइनल रिज़ल्ट निकलेगा वो है, वो ये है FE ओवर FG इक्वल 5.4×10¹⁴, ठीक है। ये था आपका पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 2 अभी नहीं करते, पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। जी न्यूमेरिकल 3 है, न्यूमेरिकल 3 के लिए अपनी बुक्स की स्टेटमेंट की तरफ आएँ। जी अ पॉइंट चार्ज Q = −8.0×10⁻¹ कोलम इज प्लेस एट ओरिजन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जी एक्सिस। ये जी एक्सिस माइंड में रखिएगा। इसमें कहते हैं आपको चार्ज दिया हुआ है 8.0×10⁻¹ कोलम, और आपको जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है ओरिजिन से 2 मीटर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक्सिस कौन सा है, यहाँ पर जी एक्सिस है। बहुत बेसिक फार्मूला है E = KQ/R², मैंने K यूनिट वैक्टर क्यों लिखा, ड्यू टू जी एक्सिस। अच्छा अगर यहाँ अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हो कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो पीछे वैसे तो हमने डेरिवेशन की थी टॉपिक में, तो एक बार फिर आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये साइड पर मैंने हल किया है। ये फार्मूला बहुत बेसिक फार्मूला E = F/Q₀। आपको पता है F बराबर होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε₀Q₀₀² यानी कि आप इसको यूँ भी पढ़ सकते हो Q₁Q₂ ओवर R² और मल्टीप्लाई Q₀ एज इट इज़ आ गया। Q₀ स्किप हो गए, यहाँ आ गया E = 1/4πε₀Q/R² और आपको पता है 1/4πε₀ किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है K के, ठीक है। तो यहाँ से आपको फार्मूला मिला E = KQ/R² K यूनिट वेक्टर। K यूनिट वेक्टर क्यों लगाया मैंने, बिकॉज स्टेटमेंट में उसने मेंशन किया था यहाँ पर आपके पास जी एक्सिस है, ठीक। अब वैल्यूज पुट करें, आपको पता है K की वैल्यू होती है 9×10⁻¹, और Q आपको डाटा में ही गिवन है −8.0×10⁻¹ कोलम, और R भी आपको दिया हुआ है। इसको जब आपने सॉल्व किया ऊपर वाले टर्म को, तो 720 आया, माइनस का साइन यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया। जब इनको मज़ीद डिवीजन की तो इसका फाइनल आंसर क्या निकला, तो फाइनल आंसर निकला E = −180 विद यूनिट वेक्टर K, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कोलम। फिर वो बता रहे हैं माइनस साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द दैट फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। आपको पता है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो आउटवर्ड होती हैं, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज वो इनवर्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं जनाब अगले न्यूमेरिकल की तरफ, और उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 4 है। स्टेटमेंट के लिए अपनी बुक ओपन कीजिएगा। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन R = 4I + 3J मीटर में है, कास्ड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू दिया हुआ है आपको 5×10⁻¹ कोलम प्लेस एट ओरिजन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी तवज्जो दरकार है, ठीक है।
अच्छा आर आपको दिया हुआ है 4i + 3j इन टर्म ऑफ मीटर। क्या कहा उसने, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला यही वाला है, एक बार पहले फार्मूला देख लें फिर आपको इस क्वेश्चन की सारी की समझ आएगी, E=kQ/r². अच्छा अब देखें यहाँ पर ना आपके पास 7 यूनिट वेक्टर आर भी है, तो यूनिट वेक्टर आर किसके बराबर होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। दोबारा मैं बता रही हूँ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा अब फार्मूला है KQ/r² विद यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। अब आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, आर वेक्टर ओवर आर। अपना ज़रा डाटा सर्च करें, डाटा में जनाब आपको आर तो दिया हुआ है, ठीक है, ओके फाइन, यहाँ पर आर भी है। अब हमें आर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, अंडरस्टूड बात है, हम फाइंड करेंगे, यहाँ भी आर का मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ भी। तो आपने फर्स्ट ईयर में मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, दोबारा बता देती हूँ, R=a² + b² ए आपको दिया हुआ है 4 और बी आपको दिया हुआ है 3, इसको आपने हल किया तो क्या निकला यहाँ से 5। ये क्यू कहाँ से आया है, डाटा में गिवन है, 5 × 10⁻⁶ कॉलम, और जनाब ई आपने फाइंड करना है। ये वाला फार्मूला मैंने अभी आपको ड्राइव करके भी दिखाया था, E=kQ/r² विद आर यूनिट वैक्टर, ये टर्म वैसे की वैसी आ गई, आर यूनिट वैक्टर की जगह आपने लिखा आर, यानी कि वैक्टर आर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, आपने वैल्यूज पुट की। यहाँ से स्टेप थोड़ा समझने वाला है, यहाँ से मिस्टेक नहीं करनी। K है 9 × 10⁹, Q है 5 × 10⁻⁶, R आपने अभी कैलकुलेट किया जो 5 निकला था, स्केयर के साथ आ गया, मल्टीप्लाई, ये R कौन सा है, ये R आपको डाटा में गिवन है, 4i + 3j, ये आपने पुट कर दिया 4i + 3j। फिर इस R की जगह फिर आपने क्या लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये जो ऊपर से आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था। उसके बाद क्या किया आपने, इसको 9 × 10⁹ को 5 × 6 से मल्टीप्लाई किया, वो ये आ गया, और यहाँ पर क्या लिया आपने, 5 का स्केयर लिया, तो वो क्या आ गया, 25 आ गया। इस टर्म को आपने लिखा वैसे का वैसे 4i + 3j/5, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, 45,000 / 25, ये 5 कहाँ से आया, जो इसके डिनोमिनेटर में था, यहाँ से यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई हुए, ये हो गया 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 125, यानी कि इस पूरे टर्म को जब आपने 125 पर डिवाइड किया तो यहाँ से आपको मिला 360, इसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब 360 आई वाले कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, जे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, 360 को मल्टीप्लाई किया 4 से, यह आया 1440 विद यूनिट वेक्टर आई, 360 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया यह आया 1080 जाउल, और आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कोलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात हो गई, न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 दिया हुआ है −1 × 10⁻⁶ कॉलम, Q2 आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁶ कॉलम, कहते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, फाइंड एंड जस्टिफाई 0 फील्ड लोकेशन। बिल्कुल इसी न्यूमेरिकल से रेलिवेंट एक आपके पास एग्जाम्पल भी है, वो है एग्जाम्पल नंबर 12.2, ठीक है। इसमें भी ये कहते हैं 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, तो उसने फिर यही कहा कि आपने 0 फील्ड रीजन के लिहाज से इसकी लोकेशन को कैलकुलेट करना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, आइए समझते हैं इसको। Q1 दिया हुआ है −1 × 10⁻⁶, Q2 दिया हुआ है 4 × 10⁻⁶, R दिया हुआ है 3 मीटर, X आपने फाइंड करना है, क्योंकि उसने क्या कहा सवाल में, उसने कहा फाइंड एंड जस्टिफाई 0 फील्ड लोकेशन। अच्छा अब होगा क्या कि आपको फिर वही पुराना वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, E=, तो पीछे भी यूज़ किए KQ/r², अब मैंने आर स्केयर की क्या लिख दिया यहाँ पर, x लिख दिया, ठीक है, समझाने के लिए E=kQ/x² तो ये E1 है, जाहिर सी बात है दो चार्ज हैं, पहले चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरे का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दूसरे का भी यही होगा KQ/x². अब ये x² की जगह x + 3 क्यों आया, वही आपकी बुक में एग्जांपल है, तो उसी में ये वाली डायग्राम देखे ज़रा, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ठीक है, ये कोई पॉइंट P पर पड़ा हुआ है Q2 जो है। अच्छा अब कहता है Q1 और Q2 चार्जेस, आपको इसका भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, फिर कहते हैं पॉइंट पी से जो पॉइंट चार्ज Q2 है, पॉइंट पी से जो चार्ज Q2 है उसका जो फासला है वो दिया हुआ है 3 मीटर। दोबारा सुने, Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, ये कोई पॉइंट पी है,
क्यू टू और पॉइंट पी के जो दरमियान का फासला है वो डी है, वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर। आप डी भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, इस एक्स की जगह आपने लिखा यहाँ पर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस थ्योरी को भी ज़रा आप माइंड में रखें, कहते हैं बिटवीन चार्जेस द टू फील्ड कंट्रीब्यूशंस ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन इज इक्वल टू ई टू, तो लेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम क्यू टू विल बी डी। क्या बताया उसने, कहते हैं जो ई मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन है वो किसके इक्वल है, ई टू के। तो हम फर्ज करेंगे जो डिस्टेंस ऑफ पी है फ्रॉम क्यू वो क्या है, डी, और हम न्यूमेरिकल में इसको एक्स लिख रहे हैं। तो यानी यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ है ई वन इक्वल ई टू, तो आप भी यहाँ पर यही लिखेंगे ई वन प्लस ई टू इक्वल टू जीरो। ये इधर प्लस के तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ई वन कितना दिया हुआ है, के क्यू वन ओवर एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये माइनस आ गया फार्मूले के। और ई टू कितना दिया हुआ है, के क्यू टू ओवर एक्स प्लस थ्री। ये एक्स प्लस थ्री कैसे आया, पहले भी बताया, कोई चार्ज क्यू टू है, इस चार्ज क्यू टू का पॉइंट पी से जो फासला है वो है 3 मीटर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, एक्स प्लस थ्री। तो क्या देखा आपने, के और के आपस में क्या हो गए, स्किप हो गए। क्यू वन दिया हुआ है फार्मूले में, इसमें डाटा में ही माइनस दिया हुआ है क्यू वन के साथ, माइनस 1.0 × 10⁻⁶ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इक्वल माइनस आ गया। क्यू टू कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁶ एक्स प्लस थ्री एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब 10⁻⁶ आपस में क्या हो गए, स्किप हो गए, माइनस माइनस भी स्किप हो गया। यहाँ से आया 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल, ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आपने अरेंज किया यानी कि दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया, तो ये आया 1 ओवर x, 2 ओवर x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 3 इक्वल क्या आ गया, 2x आ गया। तो हमने भी क्या फाइंड करना था, हमने भी x फाइंड करना था ना, तो आपने 3 को इधर ही छोड़ा, ठीक है, 2x, और ये x इधर प्लस का था, उस तरफ जाकर क्या हो गया, माइनस का। तो x इक्वल 3, यानी कि x कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। हमने भी क्या फाइंड करना था, हमने भी यही x फाइंड करना था आपकी बुक्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ें इसका। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मैस 1 × 10⁻⁶ किलोग्राम और चार्ज दिया हुआ है 1 μC और बिटवीन द टू प्लेट्स और इनके दरमियान फासला है 10 cm अपार्ट, ठीक है। तो डाटा देखें, मैस आपको दिया हुआ 1 × 10⁻⁶ किलोग्राम, क्यू दिया हुआ है माइक्रो में, तो माइक्रो ख़त्म करके आप उसको कॉलम में ले आएंगे, 1 × 10⁻⁶ कॉलम। आपने ई फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वो भी आप लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अभी मैंने बताया आपको 10 cm। फार्मूला वही पुराना बेसिक फार्मूला, E इक्वल एफ ओवर क्यू। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके इसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा, E इक्वल एफ ओवर क्यू था ना, F किसके बराबर होता है आपको पता है ना, F इक्वल W इक्वल mg। अच्छा, अब हमने इस फार्मूले को इस टर्म में क्यों लेकर आए हैं, आपका जो डाटा है ना उसकी रिक्वायरमेंट्स यही थी, ठीक है। अगर आप वो वाला फार्मूला लगाते हो E इक्वल एफ ओवर क्यू, जब पीछे आपने कहा है E इक्वल के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, तो आपके पास ना यहाँ पर क्यू तो है, लेकिन ना ये फार्मूले में फिर आपने मास को भी पुट करना है, तो इस लिहाज से जो स्टेटमेंट होती है ना आपकी, उसके लिहाज से फार्मूले को आप चेंज करते हैं। बेसिक तो सारी वही बातें हैं, E इक्वल एफ ओवर क्यू, हमने 3-4 न्यूमेरिकल में इसी फार्मूले को आगे मजीद कैटेगराइज किए, तो बस फिर अब यहाँ ये वाला फार्मूला लगेगा। तो E इक्वल एम कितना दिया है, 1 × 10⁻⁶, जी आपको पता है 9.8 होता है, 10 भी होता है, आप 9.8 पुट करेंगे। और क्यू जो है 1 × 10⁻⁶, दोनों की कैंसिलेशन हुई तो 9.8 आ गया। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कॉलम, और दूसरा यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ये आपने ई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और आज हमने कितने न्यूमेरिकल किए हैं, दूसरे को स्किप करके, यानी कि हमने 5 न्यूमेरिकल किए हैं। आपने एग्जांपल जो है मैंने अभी दिखाई थी, एग्जांपल कौन सी थी, 12.2 थी, वो न्यूमेरिकल नंबर 5 से रेलिवेंट थी, तो एग्जांपल 12.2 की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह जो आपकी एग्जांपल नंबर 1 है, ये मैंने पहले भी कहा था करनी है, इस एग्जांपल को भी आप लाजमी करेंगे, ये आपकी एग्जांपल रेलिवेंट है गालबन न्यूमेरिकल नंबर इससे 4 से, जो पहली एग्जांपल है ना न्यूमेरिकल नंबर 4 से ये रिलेटेड है, तो इसको भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो
आई होप कि आपको आज न्यूमेरिकल समझ आ चुके होंगे। जब तक इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आप चॉइस इज योर्स कि आप वीडियो को सुनते हुए साथ साथ आप न्यूमेरिकल हल करें या फिर बाद में आप स्क्रीन शॉट लेकर फिर हल करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर जल्द हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।